धर्मांतरण के आरोप में पकड़े गए मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर आलम के खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। इसके साथ ही दोनों आरोपियों के खिलाफ रासुका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसके निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण का पूरा काम दिल्ली के जामिया नगर से कंट्रोल किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब इसमें पूरे प्रकरण पर NIA भी अपनी नजर बनाए हुई है। धर्मांतरण में विदेशों से हो रही फंडिंग के खुलासे के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। फिलहाल तो अभी दोनों आरोपियों से ATS की टीम पूछताछ कर रही है, लेकिन माना जा रहा कि अब जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसियां भी दोनों से इस मामले में जानकारी लेंगी। बताया जा रहा कि इस मामले में यूपी समेत 6 राज्यों के बच्चों को शिकार बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक नोएडा के जिस मूक बधिर स्कूल के बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए शिकार बनाया गया, उसमें उत्तर प्रदेश के बच्चों के साथ साथ हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड के छात्र भी शामिल हैं। अब ATS के एक टीम नोएडा पुलिस के साथ मिलकर इस स्कूल के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि योगी सरकार पिछले वर्ष धर्मांतरण के विरुद्ध नया कानून लेकर आई थी। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के लागू होने के बाद से यह पहला इतना बड़ा मामला सामने आया है। आपको एक बार और बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लाया गया है। ऐसे में तमाम जांच एजेंसियां किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती। इस पूरे प्रकरण में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।